हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, क्लास टेंथ वालों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। आज मैं आप लोगों को 2024 का एक वायरल पेपर बताने वाला हूँ, वो भी गणित का। ठीक है, कोड है आप लोगों का 824 DK। मेरे प्यार बच्चों, इतना तो 100% फिक्स है कि जितना मैं पेपर आप लोगों को करा रहा हूँ, अगर पेपर आप सिर्फ डेली मेरा पेपर भी देते हो ना, आप लोग पेपर का पूरा फुल सोल्यूशन देता हूँ। 70 में 70 नंबर कोई मतलब कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आप लोगों को फेल कर सके। मेरी गारंटी आप लोगों से खुलेआम पूरे YouTube पे गारंटी दे रहा हूं मैं कि जो पेपर मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का करा रहा हूँ कोड वाइज, ये कोड वाइज पेपर आप लोगों के 100% एग्जाम में आएंगे। सारे बच्चे 70 में 70 नंबर करके आओगे। वही नहीं कर पाएगा जो इस वीडियो को नहीं दे पाया है, चाहे जो पेपर को मेरे सोल्यूशन करके नहीं गया, वही नहीं कर पाएगा, नहीं तो सारे बच्चे करके चले आएंगे। तो मेरे प्यार बच्चों, सारे पेपर करा रहा हूँ, सारे पेपर का सोल्यूशन भी दे रहा हूँ, आप बस अच्छे से मन लगा के पढ़िए। क्योंकि इस बार मैंने आप लोगों से आगे ही कहा था कि 95% तो मेरा नॉर्मली टारगेट है, मानकर चलना है। देखो ये पेपर में यहाँ पे अनुक्रमांक लिखा है ना, यहाँ पे पहले अपना 10 नंबर का अनुक्रमांक डाल लेना और यहाँ पे अपना नाम लिख देना। ठीक है, ये पेपर कितने नंबर का है? 70 नंबर का ये पेपर है। और इसको हल करने के लिए समय आपके पास कितने हैं? 3 घंटे 15 मिनट का समय है इस पेपर को हल करने के लिए। नोट आप लोग तो बहुत मैं पेपर में पढ़ के सुना चुका हूँ कि ये नोट क्या है, सभी नोट्स पढ़ चुके हैं हम लोग। डायरेक्ट हम लोग पेपर की तरफ बढ़ेंगे और पेपर स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले खंड अ आता है, आप लोगों को भी मालूम है, पहले खंड अ आएगा और खंड अ में जो रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। क्या रहेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। और पहला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न बोला है कि दिया है लसा, 132 और 288 का लसा दिया हुआ है, 3169। तो कह रहा है कि मसा ज्ञात कीजिए, 132 और 288 का, मतलब उन्हीं दोनों संख्याओं का मसा ज्ञात कीजिए अगर उन दोनों संख्याओं का लसा दिया हो तो। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, मैं थोड़ा ब्लू पेन ले लेता हूं ताकि आप लोगों को दिखे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला कहता है, फार्मूला कहता है कि अगर आपको मसा निकालना है, क्या कहता है कि मसा अगर निकालना है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे में होता है आपका एलसीएम। क्या होता है? बटे में एलसीएम। ये फार्मूला है, ये तो सबको मालूम है। तो अगर आपको मसा निकालना है तो जब आप मसा निकालने जा रहे हो तो पहली संख्या क्या है? 132, दूसरी संख्या क्या है? 288 और बटे में लसा, लसा मतलब एलसीएम कितना है? 3169। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, 132 से 3169 मेरे प्यारे बच्चों 24 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा और 24 से 288 जो है वो 12 बार में पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे मसा, मसा को हम लोग क्या बोलते हैं? एचसीएफ। जो मसा है एचसीएफ वो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बस यही हो गया आंसर। तो इतने छोटे हैं ये क्वेश्चन, इतने छोटे हैं, बस आपको प्रैक्टिस करके तो ही जानी है। प्रैक्टिस करके जाइए, पूरा का पूरा 70 में 70 करके आइए। 12 का मतलब ऑप्शन नंबर डी, देखो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा, 12। समझ में आया आप लोगों को? कोई भी दिक्कत होगा तुरंत कमेंट करके कहिएगा सर यहाँ नहीं समझ में आया। ठीक है, इसके बाद चलिए देखिए दूसरा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 2x - 3 के शून्यक है। अब शून्यक निकालना जानते हो आप लोग? देखो ये भी आसान होता है शून्यक निकालना। जब भी आपको शून्यक पूछे तो जो बहुपद है उसको शून्य के बराबर कर दो और इसके बाद गुणनखंड विधि से गुणनखंड इसका निकाल दो, शून्यक निकल जाएगा। जैसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 3, कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य के बराबर कर दो। 3 एकम 3, 3 का ऐसा फैक्टर करो कि गुणा करने पे 3 आ जाए और उसको जोड़ने घटाने में -2 आ जाए, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के x और माइनस के 3 = 0। ठीक है, यही तो होगा। जब -3x में से 1x घटा देंगे तो -2x आ जाएगा और -3 में जब 1 गुणा करेंगे तो -3 भी आ जाएगा। सिंपल, अब यहां से जोड़ा बना लो, इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लो, तो इसमें से 1x निकल गया और माइनस यहाँ x x कैंसिल हो गया तो 3 बच गया और प्लस, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हो जाए और 1 कॉमन जैसे लेते हैं वो संख्या उसी की उसी तरह उतर जाती है, x - 3 उतर जाएगी = 0। इसमें भी x - 3 है, इसमें भी x - 3 है, दोनों को कॉमन ले लो तो x - 3 एक कोष्टक में हो जाएगा और x + 1 जो है एक कोष्टक में हो जाएगा और = 0 कर देंगे। अब एक बार हम क्या करेंगे कि x - 3 = 0 कर देंगे और एक बार हम इधर x + 1 = 0 कर देंगे, तो x - 3 उधर जाएगा तो +3 और x + 1 उधर जाएगा तो -1, मतलब कि 3 और -1 शून्य के आ गए। तो 3 और -1 हम लोगों को ढूंढना है, 3 और -1 हम लोग ऑप्शन सी में ढूंढ लिया, यही आंसर है।
तो इतने ज्यादा सिंपल है, बस मतलब कुछ करना नहीं है, बस एक बार देख के जाना वीडियो, प्रैक्टिस कर लोगे ना तो मतलब वही क्वेश्चन आप कर डालोगे। तीसरा देखो, तीसरा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण एक्स माइनस वाई बराबर दो और एवं एक्स प्लस वाई बराबर दो का हल होगा। एक बार एक्स माइनस वाई बराबर दो और एक बार एक्स प्लस वाई बराबर दो का हल पूछा है। समीकरण हल करना जानते हो ना आप लोग? देखो मैं पेज दूसरा ले लेता हूं। देखो क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर दो, यह आपका समीकरण पहला है, और एक है आपका एक्स प्लस वाई बराबर दो, यह आपका समीकरण दूसरा है। एक माइनस वाई में है, एक प्लस वाई में है, जोड़ दो तो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, एक्स एक्स मिलकर हो जाएगा दो एक्स बराबर दो दो चार। अब इसको घटा दो, दो से कट जाएगा दो बार में, एक्स बराबर क्या गया दो। अब इस एक्स का मान समीकरण दूसरा में रख दो तो हो जाएगा दो प्लस वाई बराबर दो, तो वाई बराबर दो प्लस वाई उधर जाएगा तो माइनस के दो, तो वाई बराबर दो में से दो गया तो जीरो, तो एक्स बराबर दो वाई बराबर जीरो, एक्स बराबर दो वाई बराबर जीरो, मतलब पहला वाला ऑप्शन एक्स बराबर जीरो वाई बराबर दो। लो भाई ये भी हल हो गया, कितना सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तीसरा प्रश्न था, अब देखो आगे चौथा प्रश्न देखो क्या है। चौथा है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा। देखो जब भी द्विघात समीकरण दे दे और बोले के मूल बराबर है, ये कहीं दिमाग लगाना कि जब बोले मूल बराबर है तो मतलब विव्युत्कर जो है वो 0 के बराबर कर देना। विव्युत्कर मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो विव्युत्कर का सूत्र होता है उसे 0 के बराबर कर दो। कब? जब मूल बराबर बोले तब। अब यहाँ a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू यहाँ से निकल गया 3, b का वैल्यू क्या है माइनस के 12, c बराबर क्या है m, ठीक है। अब रख दो बी स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुणे a 3, c क्या आपके पास m बराबर 0, माइनस 12 का स्क्वायर करोगे तो प्लस 144 माइनस 4 तिहाई 12m बराबर 0, ये हो जाएगा आपका 144 बराबर माइनस 12m उधर जाएगा तो प्लस के 12m, 12 से 144 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, इधर बच गया m, m का वैल्यू कितना आ गया 12, यही है आंसर, बात खत्म। लो इतना ज्यादा सिंपल बताओ, इतना कोई सरल बताएगा आप लोगों को? एक एक पॉइंट में आपको बताता चल रहा हूं। इसके बाद देखो पांचवा, पांचवा क्या है, पांचवा मेरे प्यारे बच्चों, यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर, देखो सर्वांतर दिया है माइनस 4 तथा दसवां पद माइनस 8 तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। चलो इसको भी हल करते हैं, मैं पेज ले लेता हूं। देखो अब कितना सिंपल होता है इसको हल करना, कि यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर, सर्वांतर को मेरे पास जो डी से डिनोट करते हैं, पढ़ा होगा आपने डी बराबर माइनस 4 दिया है, दसवां पद माइनस 8, दसवां पद को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे इस तरह लिख लेना दसवां पद, दसवां पद कितना दिया है माइनस के 8 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि प्रथम पद होगा, ठीक है। तो प्रथम पद को हम ये मान लेते हैं, यही पूछा है। तो देखो पहली बात कि दसवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि दसवां पद ही दिया हुआ हमके, दसवां पद जब भी निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस 9d, इसी फॉर्मूला से दसवां पद निकलता है। इतना तो आपको जानकारी होगा कि दसवां पद ए प्लस 9d से निकलता है। ए क्या होता है आपका, ये होता है प्रथम पद, डी क्या होता है सर्वांतर होता है। तो दसवां पद, दसवां पद दिया है माइनस 8, माइनस 8 लिख दो, ए का वैल्यू हमको ज्ञात करना है प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू दिया है आपके पास माइनस के 4, तो हो जाएगा माइनस के 8 बराबर ए प्लस गुणा माइनस होगा तो माइनस 9 चौको 36, अब ये हो जाएगा माइनस के 8 माइनस के 36 से इधर जाएगा तो प्लस के 36 बराबर ए। अब देखो प्लस 36 माइनस 8 कितना हो जाएगा 28, 28 बराबर ए, ए मतलब प्रथम पद कितना आ गया 28, यही पूछा था कि प्रथम पद क्या होगा तो 28 होगा, सी वाला ऑप्शन लो, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को? बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 है कि चित्र में, ये चित्र आप देख रहे हो, बोला है कि DE समानांतर BC, देखो DE जो ये रेखा है वो BC के क्या है समानांतर, मतलब ये दोनों क्या है समानांतर है। कह रहा है कि यदि AD बराबर X, AD बराबर यहाँ पे आपको दे दिया X, और DB बराबर X माइनस 2, DB बराबर यहाँ ये वाला जो भाग है X माइनस 2 दे दिया, और AE बराबर X प्लस 2, AE बराबर ये आपको X प्लस 2 दे दिया,
और ec बराबर x माइनस एक, ये ec का वैल्यू x माइनस एक दे दिया, तो पूछा कि x का मान ज्ञात करो। इसमें आगे बोल दिया है कि जो DE है वो BC के क्या है, समानांतर है। जब भी त्रिभुज में एक भुजा किसी दूसरे भुजा के समानांतर हो तो वहां पे थेल्स प्रमेय लगता है मेरे प्यारे बच्चों। वो थेल्स प्रमेय क्या होता है देखो, जब भी एक भुजा दूसरे भुजा के समानांतर हो तो उसकी भुजाएं समानुपात हो जाती है, मतलब कि AD AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC, ये वाला ये थेल्स प्रमेय कहता है। क्या कहता है? थेल्स प्रमेय। अब बस वैल्यू रखना आपको, AD AD की वैल्यू क्या है x, बटे DB DB की वैल्यू क्या है x माइनस के दो, बराबर AE AE की वैल्यू क्या है x प्लस के दो, और बटे में EC EC की वैल्यू है x माइनस के वन। बात खत्म। इसे हल करना है, x माइनस दो और x प्लस दो, ये आपका फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर और माइनस के दो का स्क्वायर, बराबर एस गुणा एक्स में करोगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस गुणा माइनस में करोगे तो माइनस, एस गुणा एक्स में करोगे तो एक, ठीक है, और एक्स का गुणा एक में करोगे तो एक्स ही ना आएगा जी। चलो तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर करोगे तो चार, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस है ये वाला माइनस कैंसिल, इधर बच गया चार, इधर बच गया एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, चार आ गया। यही तो आंसर होगा, देखो डी वाला चार दिया है ना यहाँ पे, ये हो जाएगा राइट आंसर, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न नंबर सातवां क्या है देखो, एक थैले में तीन लाल और दो नीली गेंदे हैं, थैले में यादृच्छाया एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद के निकाले जाने की प्रायिकता होगी। तो देखो कितना सिंपल है, एक थैले में तीन लाल गेंद और दो नीली गेंद, दोनों मतलब टोटल मिला के कितना हो गया, तीन दो पांच, टोटल कितनी गेंद हो गई, पांच गेंद हो गई। पूछा है कि एक थैले में यादृच्छाया एक गेंद निकाली जाती है, या तो आप यहाँ पे लाल निकालो या तो नीला, फिर कह रहा है एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता, तो नीली गेंद कितनी निकाली जाती है मेरे प्यारे बच्चों, नीली गेंद की संख्या कितनी है, दो है, तो ऊपर आ जाएगा दो, तो पांच में से दो आ सकता है, मतलब दो बटे पांच, इतना ज्यादा सिंपल होता है मेरे प्यारे बच्चों। सी वाला ऑप्शन लो, कितना सिंपल है, सातवें का सी। चलो आठवां देखो, ये कोई क्वेश्चन है, बस एक बार प्रैक्टिस करके तो जानी है आपको। यदि 5 कमा 10 कमा माइनस अरे 15 कमा 8 कमा 20 कमा 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो आर का मान होगा, ये भी प्रश्न तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, यहाँ पे जगह खाली है यही हल कर देता हूँ, ठीक है। देखो समांतर माध्य जब भी पूछे आपको कि समांतर माध्य निकालिए, समांतर माध्य क्या कहता है कि दी हुई संख्याओं को जोड़ो, तो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस r प्लस के 20 प्लस के 35 प्लस के 40 बटे में कुल संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 कुल संख्या कितनी है, 7। समांतर माध्य आपको बोला है 21 से, 21 बराबर, अब इनको जोड़ दो, जितनी भी संख्या है जोड़ो, तो जोड़ोगे तो कितना होगा, देखो कैसे जोड़ेंगे, 15 5 20 20 और 10 30 30 20 50 और 50 और 40 90 और 90 30 120 और 5 25, तो 125 और प्लस r और बटे में 7, जब 7 को गुणा 21 में करोगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147 बराबर 125 प्लस r, ठीक है। जब r निकालोगे तो r बराबर क्या आ जाएगा, 147 प्लस 125 उधर जाएगा तो माइनस 125, तो r बराबर कितना आ जाएगा, तो 147 में से 125 घटाओगे कितना आ जाएगा, 22। लो r r की वैल्यू कितना आ गया, 22। यही प्रश्न पूछा था कि r का मान होगा, तो r का मान 22 होगा, बात खत्म, बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो गया। चलिए ये भी हो गया ना प्रश्न, आगे बढ़ेंगे 9 प्रश्न। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 9 प्रश्न देखिए क्या है, 9 प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। देखिए लंबवृत्तीय बेलन, जैसे बेलन में अगर मैं बना दूं, ये बेलन है आपका, तो कह रहा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये जो आधार इसका होता है, ये नीचे वाला आधार, इसका क्षेत्रफल, तो आधार बेलन का कैसा होता है, वृत्ताकार ही तो होता है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसके आधार का व्यास पूछा है, टोटल व्यास कितना हो गया। तो देखो कितना सिंपल है, सबसे पहले मेरे प्यार बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बराबर आपको दिया है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल और आर स्क्वायर बराबर 9, तो यहाँ r बराबर क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि
क्योंकि वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 नहीं तो होता है। त्रिज्या आपको मालूम चल गया। निकालना है व्यास, आधार क्या व्यास, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना मतलब 2r व्यास कहलाता है। तो 2 × r का वैल्यू कितना है, 3, 3 दूनी के 6 सेंटीमीटर, बात खत्म, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा आधार का व्यास। ऑप्शन नंबर डी, डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो दसवां देखो, दसवां प्रश्न क्या कहता है, दसवां प्रश्न ये कहता है कि मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश, मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूरी ज्ञात करना है। देखो यह प्रश्न क्या है, ये प्रश्न सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको बनाना है जिस तरह बोलेगा। देखो कैसे, मैदान में खड़ी एक कार 75 मीटर ऊंची मीनार का अवनमन कोण, देखो ये आपका जमीन है, ठीक है, इस पे एक ऊंची मीनार यहाँ पे खड़ी हो गई, कितना है भाई 75 मीटर की, ठीक है। अब देखो इसमें बोला है आपका कि मीनार से अवनमन कोण, ठीक है, मतलब ऊपर से जब नीचे देखते हैं मेरे प्यार बच्चों तो अवनमन कोण बनता है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह समांतर रेखा खींच देते हैं, यह अवनमन कोण कहलाएगा, यह वाला कितना अंश बनता है, 30 अंश, यहाँ लिख देता हूँ 30 अंश बनता है, और नामकरण कर देता हूँ, ये ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया। अब आप बताओ यह वाला पॉइंट देखो, और यह जेड का कार्य बन रहा है, जेड मतलब एकांतर कोण कहलाएगा, ये अगर ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा, जब दो समानांतर रेखाएं होती हैं तो एकांतर कोण बराबर होता है, ये भी 30 अंश हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, मीनार के आधार से कार की दूरी मतलब ए बी की दूरी, ठीक है, यह कार है यह मीनार है, तो ए बी की दूरी पूछा कि यह दूरी कितनी होगी, ठीक है, तो इसके मतलब यह निकालना है, तो यह तो आपका हो गया लंब और यह हो गया आपका आधार, 90 अंश के सामने भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो हमें आधार ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है, तो लंब बटे आधार टेन थीटा में होता है, तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार मतलब बी सी बटे आधार मतलब ए बी, ठीक है, तो हो जाएगा आपका टेन थीटा का वैल्यू कितना अंश दिया है, 30 अंश बराबर बी सी का वैल्यू 75 अंश बटे ए बी का वैल्यू तो हमें ज्ञात करना ही है, और टेन 30 अंश का वैल्यू क्या होता है, 1/3 होता है, तो 1/3 बराबर 75/ ए बी, ए बी को गुणा 1 में करोगे तो ए बी, और 75 का गुणा करणी में 3 करोगे तो 75/3, बात खत्म, इतना मीटर आ जाएगा कार की दूरी मीनार से, 75/3 मीटर दिया है, देना तो चाहिए। देखो पहला वाला ऑप्शन दिया है 75/3 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 क्या है, 11वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि 2 tan² 45 अंश प्लस cos² 30 अंश माइनस sin² 60 अंश का मान होगा। इसमें तो अगर वैल्यू मालूम है तभी आप हल कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। जैसे बोला है 2 tan² 45 अंश मतलब टेन 45 अंश का मान कितना होता है, उसका स्क्वायर कर दो, तो टेन 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 रख के उसका स्क्वायर कर दो, फिर प्लस कॉस 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, उसका स्क्वायर करो, तो कॉस 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, करणी में 3/2, तो करणी में 3/2 लिख कर और इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, फिर माइनस साइन 60 अंश का वैल्यू कितना होता है, उसका स्क्वायर करो, तो साइन 60 अंश का वैल्यू सेम वही होता है, करणी में 3/2 इसका आपको स्क्वायर कर देना है। चलिए तो 2 × 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस करणी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 माइनस करणी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 माइनस 3/4 इधर प्लस 3/4 कैंसिल, और 2 को गुणा 1 में करोगे तो 2 और प्लस ये दोनों कैंसिल हो गया तो 0 बच गया, और 2 में 0 जोड़ोगे तो 2, बात खत्म, 2 दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2। तो 11 वाला प्रश्न भी हम लोग आसानी से कर लिए सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, प्रश्न नंबर 12। देखिए प्रश्न नंबर 12 कितना बढ़िया प्रश्न है कि यदि बिंदुओं Q जिसका निर्देशांक दिया है माइनस 6.5 और R एक बिंदु दिया है जिसका निर्देशांक दिया है माइनस 2.3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P है जिसका निर्देशांक a/3/4 तो a का मान होगा। देखो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, अब देखो कितना सरल है, अब कोई इसको पढ़ के सोचेगा बहुत डिफिकल्ट है, नहीं डिफिकल्ट कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चों। देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलता है, तो मध्य बिंदु का जब भी आप निर्देशांक निकालने जाते हो तो पहले x का निर्देशांक निकालोगे, तो x का निर्देशांक क्या होगा मध्य बिंदु में, देखो x का निर्देशांक जब मध्य बिंदु का आप निकालने जा रहे हो तो x1 + x2/2 होता है, ठीक है, x का निर्देशांक, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/3, तो ये x की जगह आप 1/3 रख लो,
इसके बाद एक्स वन, एक्स वन का वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस के 6, और प्लस एक्स टू का वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस के 2 और बट्टे में 2, तो ये हो जाएगा आपका ए बटे 3 माइनस 6 और माइनस 2 माइनस के 8 बटे के 2, कटा दो 2 चौक को 8 माइनस के 4, तो ए बराबर क्या आ जाएगा -4 × 3, तो ए बराबर -4 × 12 -12 आ जाएगा। अब -12 का मतलब बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं, दिक्कत थोड़ा सा भी होगा कमेंट करके बताना, मैं तुरंत आप लोगों को दोबारा क्वेश्चंस बता दूंगा आप लोगों को आगे अगली वीडियो में, लेकिन दिक्कत होना नहीं चाहिए। मैं इतना सरल बता रहा हूँ कि आपको दिक्कत बिल्कुल 1% भी होना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं 13वां प्रश्न क्या है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल पूछा है। अब देखो मूलों के गुणनफल क्या होता है, यहाँ पे इसके लिए फार्मूला चलता है, यहाँ पे लिख लेना, मैं लिख देता हूँ अच्छे से। मूलों का गुणनफल, जब भी आपसे मूलों का गुणनफल पूछे तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद जिसमें कोई चर ना हो, अचर पद बटे में x² का गुणांक, यही होता है मूलों का गुणनफल। अचर पद इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो अचर पद इसमें क्या, जिसमें कोई चर ना हो, तो इसमें x² है, इसमें x है, अचर पद है ही नहीं, तो इसको 0 मान लो, और बटे x² गुणांक क्या है 3, तो 3, 0/3 का मतलब 0, बात खत्म, पहला वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखो 14वां प्रश्न, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड, जब ये अभाज्य गुणनखंड पूछे तो सिंपल आप 156 का क्या निकाल लीजिए, एलसीएम ले लीजिए बस। तो 2 से कटाएंगे तो 2 7 14 2 8 16, 2 से कटाएंगे तो 2 3 6 2 9 18, 3 से कटाएंगे तो 13 3 39, फिर 13 से कटाएंगे तो कट जाएगा एक बार में, तो इसको क्या लिखेंगे 2^2 × 3 × 13, यही होगा अभाज्य गुणनखंड। ऑप्शन में देखते हैं दिया है 2^2 × 3 ×13, तो ऑप्शन तो इधर होगा, देखते हैं 2^2 × 3 ×13 ये वाला, 2^2 × 3 ×13 ये वाला ना होगा बी वाला, देखो 2^2 × 3 ×13 बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 15वां प्रश्न, देखिए 15वां प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म, ये जोड़ा दिया है, एक समीकरण ये दिया है, एक समीकरण इतना, अनेक हल होंगे। देखो पहली बात कि अनेक हल होने का शब्द क्या होता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए, अगर ये जानकारी नहीं है तब तक नहीं लगा पाओगे। मैं पेज ले लेता हूँ, देखो अनेक हल होने का शर्त यहाँ लिख देता हूँ, इसको याद कर लेना, ये याद रहेगा तभी आप हल कर पाओगे। अनेक, यहाँ पे अनेक लिखो, अनेक हल होने का शर्त, देखो अनेक हल होने का शर्त मेरे प्यारे बच्चों, a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 के, और वो भी बराबर होता है c1/c2 के, यह अनेक हल होने का शर्त होता है। तो देखो यहां से a1 का वैल्यू, इसमें देखो a1 का वैल्यू क्या है k, a2 का वैल्यू इसमें निकलता है x के आगे क्या है 1, तो 1 हो जाएगा। b1 का वैल्यू क्या है, y के आगे कुछ नहीं है तो 1, और b2 का वैल्यू y के आगे k है तो ये हो जाएगा k, इसी तरह c1 का वैल्यू k², इसी तरह c2 का वैल्यू इसमें 1। अब यहाँ 3 दे दिया, अब चाहे तो तुम इन दोनों को हल कर दो तभी आंसर आ जाएगा, या इन दोनों को हल कर दो तभी आंसर आ जाएगा, तो मैं इसको हल कर देता हूँ, k1/1 = 1/k, k को गुणा k में करोगे तो k² = 1 × 1 में करोगे तो 1, तो k बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग उतर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो k = 1 का वर्गमूल क्या आता है 1 आता है, तो k = 1 आ गया। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना कि वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में आता है, ये भी जानकारी होना चाहिए, वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में, मतलब +-1, तो +-1 बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लो भाई हो गया, चलिए कितना आसान है। इसके बाद 16वां प्रश्न देखिए क्या है, 16वां है कि समांतर श्रेणी दिया है 3, -1, -1, -3 के लिए सर्वांतर है, तो सर्वांतर डी कैसे निकालते हैं, डी वाला क्या निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले घटा दो, मतलब a2 - a1, तो a2 का वैल्यू कितना है 1, और a1 का वैल्यू कितना है 3, तो 1 - 3 - 2, तो सर्वांतर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी वाला है। ठीक है, मतलब दूसरे में से पहला घटा तो सर्वांतर निकल जाता है, यही तो है। इसके बाद 17वां देखो क्या है, यदि sec θ = 2 तो θ का मान होगा, देखो कैसे हल करेंगे, यहाँ आपको बोला है ना कि sec θ = 2,
तो देखो क्या करोगे, सेक थीटा दो को हम क्या लिख सकते हैं, सेक साठ अंश, सेक साठ अंश का वैल्यू ही दो अंश होता है, अरे मतलब दो होता है, तो सेक से सेक कैंसिल, थीटा बराबर साठ अंश, बात करता मैं यही बोला था, तो थीटा बराबर साठ अंश मतलब सी वाला ऑप्शन लो, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सत्रह का क्या हो गया सी, ठीक है। अठारह देखो क्या है, अठारहवां मेरे प्यारे बच्चों अच्छा प्रश्न है, क्या है कि प्रथम दस के अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका होगी। अब देखो बोला है कि प्रथम दस के अभाज्यों के पूर्णांकों की माध्यिका, तो पहले प्रथम दस अभाज्य पूर्णांक लिखो कौन कौन से है, एक तो आपका दो, फिर कामा तीन, फिर पांच, फिर सात, फिर ग्यारह, फिर तेरह, फिर सत्रह, फिर उन्नीस, उन्नीस के बाद तेईस, तेईस के बाद उन्तीस, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस थे हमने अभाज्य पूर्णांक लिख दिया। अभाज्य मतलब जो किसी से न कटे, खुद से कटे या एक से कटे, ठीक है, उनका हमें माध्यिका ज्ञात करना है। देखो माध्यिका पहले देखो नंबर कितने हैं, टोटल नंबर दस है, दस है मतलब कि सम संख्या हो गया, जब सम संख्या आ जाए तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, मैं लिख देता हूं, जब दस संख्या रहे या सम संख्या रहे, दो चार छह आठ दस सम संख्या रहे, तो उसमें माध्यिका कैसे निकालते हैं कि एन बटे टूंगा पद, एन बटे टूंगा पद और प्लस एन बटे टू प्लस वनवा पद और बटे में टू, ये फार्मूला होता है। तो एन कितना है दस, और दस बटे दो, दो पांच है दस, पांचवा पद आ जाएगा, ठीक है, और प्लस एन बटे टू प्लस वन, तो यहां पांच दो पांच है दस, पांच एक छह, छवां पद और बटे है दो, पांचवा पद क्या है एक दो तीन चार पांच, पांचवें पद पे ग्यारह और छठवां पद पे तेरह, तो पांचवा पद ग्यारह प्लस तेरह, छठवां पद तेरह बटे दो, तो तेरह और ग्यारह कितना हो जाएगा चौबीस बटे दो, कटाओगे तो बारह दूनी के चौबीस, माध्यिका कितना आ गया बारह, इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर उन्नीस, यदि द्विघात समीकरण तीन एक्स स्क्वायर माइनस के छह एक्स प्लस चार बराबर जीरो का विभेदकर होगा। अब देखो विभेदकर का फॉर्मूला, देखिए विभेदकर का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, तो ये हो जाएगा आपका डी बराबर बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है माइनस के छह, तो माइनस छह का होल स्क्वायर, फिर माइनस चार गुणे ए का वैल्यू कितना है तीन, और सी का वैल्यू कितना है चार। अब आराम से विभेदकर निकाल लो सिंपल, तो डी बराबर क्या हो जाएगा माइनस छह का स्क्वायर करोगे तो छत्तीस और माइनस चार तीन बारह, बारह चौक अड़तालीस, तो डी बराबर माइनस के बारह, विभेद कर कितना गया माइनस बारह आ गया, फार्मूला याद रहेगा तभी ना कर पाओगे इसको। इसके बाद बीसवा देखो, बीसवा प्रश्न क्या है, लास्ट प्रश्न है खंड अ का बहुविकल्पीय प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखो केंद्र प्रवृत्ति में माध्य होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, बहुलक होता है कि नहीं, बिल्कुल, माध्यिका होता है कि नहीं, मानक विचलन जो है नहीं होता है, मतलब ये केंद्र प्रवृत्ति की माप नहीं है, बाकी आपका बहुलक माध्यिका माध्य तो होता ही है, तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। तो ये देखो इस वीडियो में मैंने खंड अ के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिया, अगले वीडियो में खंड ब आपको बताऊंगा, जितने चार नंबर, दो नंबर, चार नंबर, छह नंबर वाले प्रश्न है उसको मैं बता दूंगा, ठीक है, मतलब आप एकदम निश्चित रहिए आप फेल होने वाले नहीं है, पूरे 70 में 70 करके आने वाले हैं मेरे प्यार बच्चों। आप बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।